कृषि मंत्री कमल पटेल ने कृषि कानून को लेकर कहा कि अभी तक किसान खेतों में मेहनत करते थे और उसका फायदा बिचौलिए उठा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कमल पटेल ने कमलनाथ और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का यह खूनी पंजा है जिसने प्रदेश की सारी जनहित की योजनाएं बंद कर दी हैं, अब इस पंजे को हटाना है। मांधाता विधानसभा के सुलगांव में भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कमल पटेल ने कहा कि कृषि कानून और मंडी में बदलाव किया गया है जिससे किसानों की आय 2022 तक दोगुनी की जा सके। उन्होंने कहा किसानों में सब्जी भी आती है, सरकार ने तय किया है कि मंडियों को स्मार्ट मंडी बनाया जाएगा, इसके साथ ही समर्थन मूल्य को भी रखा गया है जिससे किसानों को फायदा होगा। कमल पटेल ने भाजपा के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ और कांग्रेस के द्वारा जनता को छलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा सोनिया गांधी ने एक उद्योगपति कमलनाथ को मध्य प्रदेश में गिरवी के तौर पर भेजा जिन्होंने सारी योजनाएं बंद कर दी और किसानों के कर्ज माफ करने का झूठा वादा किया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हम किसानों की आय 2022 तक दो गुना करेंगे और इसलिए मंडी एक्ट में संशोधन किया है, मॉडल मंडी एक्ट लेके आए हैं, किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिला रहे हैं और उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके और इसलिए किसानी में सब्जियां भी आती हैं और अभी तक सब्जियों का समर्थन मूल्य नहीं था, उनका समर्थन मूल्य भी तय करने पर विचार हम कर रहे हैं और मंडियों को हम स्मार्ट मंडी बना रहे हैं, यानी किसान माल लेके आएगा मंडी में और उसका 1.70 रुपये जो टैक्स था उसको 50 पैसे करने जा रहे हैं। बेशरम कांग्रेस और जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया है वो भी माँ है लेकिन उसने अपनी बहन की इज्जत नहीं रखी, इस उद्योगपति को कांग्रेस को गिरवी रख दिया। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र नहीं है, कांग्रेस में कांग्रेस कमलनाथ के यहाँ गिरवी रख गई उद्योगपति के यहाँ और इसलिए कांग्रेस के विधायकों का दम घुटने लग गया कांग्रेस में। बधाई हो तोमर जी, आपके बेटे ने तो पूरे जिले के नाम पूरा जीवन लगन से पढ़ाई की। शर्मा सर हमेशा कहते थे तुम बड़ा नाम कमाओगे, मौज मस्ती से दूर रहा। दोस्त कहते थे अंधा हो जाएगा पढ़ पढ़ के। सोचा था एक बार इंजीनियर बन गया तो माँ बाबू जी का त्याग सार्थक हो जाएगा, पर इन लोगों ने तो मेधावी छात्रों के फीस भरना ही रोक दिया। सालों का सपना एक झटके में तोड़ दिया। 26 किलो 63 रुपये हुआ बेटा तुम्हारा। मेरी प्रतिभा की कीमत 2.5 रुपये किलो लगाई गई, कैसी सोच है ये। गरीब हूँ इसलिए निष्ठुरता से भविष्य ही कुचल दिया मेरा। ये पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। अरे सुरेंद्र फटाफट चल, लोडिंग भरवाना है। अरे देख क्या रहा है, जल्दी कर, 5 मिनट में पहुंचना है। मालिक बेटा पढ़ाई करने शहर जा रहा है, अड्डे छोड़कर तुरंत आता हूं। चल। टंडेरा साइकिल खुद चलाए और बेटे को पढ़ने भेजे शहर। वाह रे समझदार जी, डॉक्टर बनेगा, मेधावी है मेरा बेटा। पढ़ाई का खर्चा सरकार दे रही है मेरे बेटे को। प्रदेश में भाजपा सरकार वापस आ गई है। मालिक हर प्रतिभा को विश्वास है, एक शिवराज है जो साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।